देखो जिस प्रकार जो शाही भर्ती के मामले सामने आए, पहले जो 4 सितंबर को एग्जाम हो रहे थे, 3 चरणों में आयोजित करवाया गया, क्योंकि रीट एक चरण में आयोजित हो सकती है, 16 लाख लोग एक दिन एग्जाम दे सकते हैं। अचानक RPSC ने ये 3 चरण में एग्जाम किया, ओमार सीट बाहर आ रही है, वीडियो बाहर आ रहा है, मोबाइल अंदर जा रहा है। उसके अलावा SP जो बीकानेर प्रीति जी का बयान सुनिए कि उन्होंने 12 लोगों को पकड़ा है जो पेपर को हल करके और वापस व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, मात्र ये 869 पदों की भर्ती है। और जिस प्रकार जो SP बयान दे रहा है कि 12 लोगों ने पकड़े गए हैं और पेपर हल करके भेजे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर सुरक्षित है, कहीं ना कहीं ये हजारों लोगों में ये पेपर गया होगा, ये पेपर लीक हुआ। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी, सख्त कानून भी बने, आज SI में होगा, कल पटवारी में होगा, फिर रीट में होगा, एक कानून बने। और मुझे नहीं लगता कानून का पक्षधर सब होंगे, यदि सरकार या राजनेता कोई पक्षधर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी घालमेल है। RPSC अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वो किस आधार पे कह रहे हैं भूपेंद्र यादव, किस आधार पे कह रहे हैं? वीडियो अलवर का दिखाया गया, इसके अलावा जयपुर में भी एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके अलावा कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर विरोध किया कि पेपर खुले आए हैं, उनको प्रशासन के द्वारा डरा धमाके में फंसा दिया गया। खुले पेपरों के अलावा जो मोबाइल अंदर ले जाएंगे, कौन से संविधान में लिखा है कि एग्जाम में मोबाइल अंदर जाएगा, तो सारी चीजें सामने है। आज हमने प्रदर्शन किया है, इन जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं SI भर्ती 2016 के, उनको न्याय मिले और भविष्य के लिए कानून बने, कम से कम 10 साल की सजा हो, उनको संपत्ति जब्त की जाए, हर भर्ती के लिए नियम और कानून बने, इसके लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करते हैं कि आप अभिभावक हैं, तमाम मंत्री और नेताओं से हम निवेदन करते हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि आपके बेटा और बेटी के साथ ऐसा होता तो कितना बुरा लगता। आज गरीब किसान आम आदमी का बेटा कर्जा लेकर पढ़ाई करता, तैयारी करता है और बाद में पता चलता है कि पेपर तो वायरल हो गया, लीक हो गया। ऐसे में आज बेरोजगार अवसाद में कानून बनाना, जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, ये सरकार को जल्द से जल्द कठोर कदम उठानी चाहिए, जिससे बेरोजगार का भविष्य सुरक्षित होगा।